हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नौसातलम, स्वागत करता हूं आप सभी का नौसातलम क्लासेस में। आज मैं लेकर आ गया हूं मैथमेटिक्स में 11th का पोर्शन। 11th के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का आज डिस्कशन करेंगे, और आज मैथमेटिक्स में 11th का हमारा लेक्चर नंबर है 8। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स के अंदर में 11th के लिए लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ट्रिगो का, जो क्वाड्रेंट वाला सेशन चल रहा था उस सेशन का हम लोग करेंगे आखिरी पार्ट, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कंसेप्ट ट्रिगो और ट्रिगो से संबंधित, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस आते हैं, कौन कौन माइनस आते हैं, क्या फॉर्मूले निकलते हैं, और कैसे एंगल को उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट्स और सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। मेरे से इस सेशन पे, मेरे इस चैनल के अंदर थ्रू आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको 11th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स भी कवर कराया जा रहा है। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो आपको चल रहा है यहाँ पे 12th क्लास का चल रहा है मेरे चैनल पे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो आपके 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो उन्हें कहिए कि मेरे चैनल को ज्वाइन करें, उनको बहुत ही फायदा पहुंचेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ बिल्कुल ही बेसिक से लेकर हाई तक। तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को देखते हैं क्या है। क्वाड्रेंट फोर्थ, क्वाड्रेंट का बेसिकली ये पार्ट फोर्थ है ना, और लेक्चर नंबर हमारा 8 है, जिसमें हमने बेसिक का बहुत सारा लेक्चर डिस्कस करा हुआ है। और क्वाड्रेंट के अंदर में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश, यही है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, आज हम लोग करेंगे इसी के बारे में बात। तो जरा समझिए इसको, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ये आपका सेकेंड है, ये होता है आपका थर्ड, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ पे हम लेके चलते हैं कितना 90 डिग्री, यहाँ पे होता है आपको 180 डिग्री, है ना, और यहाँ पे होता है आपको 270 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है आपका 360 डिग्री, यही होता है। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है, जो हमारा क्वाड्रेंट का पार्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जानते हैं फर्स्ट में क्या होते हैं, फर्स्ट में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ऑल पॉजिटिव, है ना। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में धनात्मक पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है आपका साइन एंड कोसेक, साइन और कोसेक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपके पॉजिटिव मिलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर में, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो पीछे के दोनों स्टार्टिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखें, ताकि आपको सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेकेंड है। थर्ड के अंदर में होता है टेन एंड कॉट, थर्ड के अंदर में टेन और कॉट क्या होते हैं आपको पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, और फोर्थ में क्या होते हैं, कॉस एंड सेक, ये आपको मिलेगा पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में कॉस और सेक जो होते हैं आपके धनात्मक होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कंसेप्ट बनेगा, कैसे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता चलेगा कि वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो बनेगा आपको 270 प्लस थीटा, है ना, यानी 270 से जब आगे बढ़ेंगे तो आपका बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर आप 360 से नीचे आएंगे, 360 माइनस थीटा, या फिर 270 प्लस थीटा, तो वहां से आपको ये आपका फॉर्मेट बन के तैयार होगा। जरा देखते हैं, तो यहां से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, 270 डिग्री प्लस थीटा वाला कंसेप्ट। ठीक है, 270 डिग्री प्लस थीटा वाला कंसेप्ट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो जरा देखिए, यहां हम लिखते हैं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन
270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, और आपका यहाँ पे कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, सब में ऐसा ही बनेगा। ये हमारा फर्स्ट हुआ, फर्स्ट वाला साइन सेकेंड, ठीक है, टेन हो गया, थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव और ये सिक्स, ठीक है। तो जरा बात करते हैं इसके बारे में, 270 प्लस थीटा, जैसे कि आप मैंने आपको पहले ही बता रखा हुआ है कि वाई अक्ष वाले केस में वाई अक्ष जो है हमारे पास 90 डिग्री वाला या फिर 270 डिग्री वाला। तो जरा समझिएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा हो या 90 डिग्री माइनस थीटा हो, 90 डिग्री प्लस थीटा हो और या फिर क्या हो, 90 डिग्री माइनस थीटा हो, ठीक है, और 270 प्लस थीटा हो या फिर क्या हो, 270 माइनस थीटा हो। जब भी हम इस वाले पोर्शन से यानी वाई अक्ष से संबंधित जब भी हम साइन थीटा कोस थीटा को प्लस या माइनस करेंगे, या फिर आप करें 90 प्लस थीटा या आप करें 90 माइनस थीटा, या आप करें 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो जब भी हम इस वाले हमारे वाई अक्ष से संबंधित जब भी हम प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, तो एक चीज इसमें कॉमन पाया जाता है, वो क्या होता है कि फंक्शन जो है वो बदल जाता है, फंक्शन जो है बदल जाता है। कैसे फंक्शन बदलता है, जैसे साइन थीटा है तो साइन बदल के क्या हो जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉस बदल के साइन बन जाएगा, टैन बदल के कॉट बन जाएगा और कॉट बदल के टैन बन जाएगा, सेक बदल के कोसेक और कोसेक बदल के क्या होता है, सेक बन जाता है। और ये कैसे कंसेप्ट चेंज करता है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 90 डिग्री माइनस थीटा वाला जो कंसेप्ट है, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला जो कंसेप्ट होता है आपका, तो 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या पढ़ते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ते हैं आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है आपको कॉस थीटा, यही ना पढ़ते हैं, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा जब कॉस थीटा होता है, तो हमने क्या बताया कि अगर 90 प्लस थीटा होगा ना तो भी कॉस थीटा लिखेंगे, 270 प्लस थीटा होगा ना तो भी कॉस थीटा ही लिखेंगे, या फिर 270 माइनस थीटा होगा ना तो वहां पे भी कॉस थीटा लिखेंगे। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, कॉस थीटा लिख देंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपको क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट आपको थर्ड है, फोर्थ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन धनात्मक होते हैं, उसके हिसाब से उस फंक्शन में आप क्या लगा देंगे, प्लस या माइनस लगाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है। तो जरा देखिए, साइन 270 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के हिसाब से लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे ना, इसको हमने लिख दिया कॉस थीटा। अब यहाँ पे सोचना क्या है कि 270 प्लस थीटा, यहाँ देखिए 270 और प्लस करना है, तो प्लस करना है तो प्लस करके इधर भागेगा, तो ये भागेगा किधर, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में धनात्मक कौन होते हैं, कॉस और सेक, बाकी कौन होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा, अच्छा ये साइन हो गया आपका निगेटिव। आगे देख, अब यहाँ पे कॉस है, तो हमने बताया कॉस 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट यूज कर लेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये 270 प्लस थीटा भी कितना होगा, साइन थीटा ही होगा, 270 प्लस थीटा भी आपका साइन थीटा होगा, लेकिन 270 प्लस थीटा में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉस होता है आपका धनात्मक, तो कॉस धनात्मक होता है तो ये क्या रह जाएगा, आपका धनात्मक ही रह जाएगा। टैन 270 प्लस थीटा ये क्या बनेगा, कॉट थीटा, और टैन फोर्थ में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, है कि नहीं, अच्छा, और कॉट 270 प्लस थीटा क्या बनेगा, टैन थीटा बनेगा, और टैन क्या होता है फोर्थ में, फोर्थ में टैन निगेटिव होता है, तो यहाँ सॉरी कॉट निगेटिव होता है, तो यहाँ पे कॉट में क्या लग जाएगा आपका, माइनस लग जाएगा। उसी तरह से सेक बदल के क्या बन जाएगा, सेक बदल के बनेगा कोसेक थीटा, और सेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है, तो ये वैल्यू आपको प्लस का प्लस ही आने वाला है, ठीक है। कोसेक बदल के क्या बनेगा, कोसेक बदल के बनेगा सेक थीटा, और कोसेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में निगेटिव होता है, तो इसके अंदर में हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये है आपका 270 प्लस थीटा वाला कंसेप्ट, जिसमें बस आपको ये ध्यान रखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन धनात्मक होते हैं, और फंक्शन क्या होता है 270 प्लस थीटा में, जब भी आप करेंगे तो फंक्शन जो है आपका बदल जाएगा। फंक्शन बदल के कैसे चेंज होता है, 90 माइनस थीटा के कंसेप्ट पे चेंज करता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, और उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, उसको हमने सबको चेंज कर दिया, चाहे वो 90 प्लस हो चाहे वो 270 प्लस हो,
चाहे वो 270 माइनस हो या फिर 90 माइनस हो, जब भी ऐसा कंसेप्ट होगा तो आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप पहले इसे नोट करें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन को, ठीक है? तो आराम से इसे नोट करिए। अगर आपको सब पसंद आ गया हो, पसंद आ रहा हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको पढ़ाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लाइक करेंगे वीडियो को, आप सब्सक्राइब दूसरों को शेयर करेंगे, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ताकि वो सब बहुत से अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, हमारी क्लासेस का आनंद ले सकेंगे, ठीक है? तो पहले आप इसे नोट करें, फिर डिस्कस करते हैं आगे की बातें। तो अब बढ़ चलते हैं हम लोग, और 360 माइनस थीटा को देखते हैं। हमने 270 प्लस थीटा देख लिया, एक बच गया है बस 360 माइनस थीटा, और इसके बाद आपका होगा क्वाड्रेंट का एंडिंग, ठीक है? और उसके बाद हम करेंगे इस पूरे के पूरे पोर्शन को, यानी जितना हमने पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, पूरे के पूरे को जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करके दिखाएंगे आपको कि एक ही बार में आप सारे क्वाड्रेंट को एक ही समय में डिस्कस कर सकते हैं, और आप एक ही समय में सारे के सारे चीजों को याद रख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 360 माइनस थीटा का कंसेप्ट, और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। चतुर्थांश से फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा बनेगा कंसेप्ट अगला हमारा, है कि नहीं? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा देखिए, यहाँ पे है 360 यानी 360, और 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा जब चलेंगे तो हमारा किधर आना पड़ेगा, आपको क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, है कि नहीं? और क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज आने से क्या होगा, आपका क्वाड्रेंट किस में चला जाएगा। अगर आप एक डिग्री भी माइनस करते हैं तो 360 में से घटेगा, तो 359 वो भी आपका चला जाएगा, किस क्वाड्रेंट के अंदर में, वो भी आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद है कॉस और सेक होते हैं धनात्मक, ठीक है? अच्छा, तो देखिए जरा यहाँ पे वही चीज, हम सेम टू सेम सारा चीज लिखते हैं, साइन 360 है ना, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, उसी तरह से आपका बनेगा सेक 360 माइनस थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा। ये हमारा बनेगा सारा फॉर्मूला, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 के 6 हमने लिख दिया। 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा, sec 360 माइनस थीटा, और cosec 360 माइनस थीटा हमने लिख दिया है, ठीक है? अब आप ही बताएंगे क्या होने वाला है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको लिखेंगे क्या। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री प्लस थीटा करना या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा करना, 180 डिग्री प्लस थीटा करना हो या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा करना हो, और भी 0 डिग्री प्लस थीटा करना हो, है ना, या क्या करना आपको 0 डिग्री माइनस थीटा करना हो, यहाँ पे था 0 डिग्री प्लस थीटा या फिर 0 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से अगर आपको 360 डिग्री प्लस थीटा करना हो या फिर 360 माइनस थीटा करना हो, तो मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि x अक्ष पे जो भी वैल्यू, जैसे आपको 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, जिस वैल्यू को आप फंक्शन के साथ आप जोड़ेंगे घटाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि फंक्शन का मान जो है बदलता नहीं है, यानी साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, और कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। उसमें फंक्शन जो है आपका बदलता नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा फंक्शन। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर फंक्शन जाता है, या फिर सेकेंड में जाता है, थर्ड में जाता है, फर्स्ट में जाता है, तो क्या होते हैं फंक्शन के वैल्यू, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है? तो जैसे हमने लिखा है साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा मैंने अभी बताया, 360 माइनस थीटा हो, प्लस हो, 0 प्लस थीटा हो, 0 माइनस हो, 180 प्लस हो, 180 माइनस हो, फंक्शन नहीं बदलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो फंक्शन नहीं बदलेगा तो हम लिख देंगे, नहीं बदलेगा तो हमने लिख दिया साइन थीटा ही लिख दिया, ठीक है? अब जब साइन थीटा लिखा है तो एक चीज तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि 360 में से जब थीटा घटाएंगे तो क्वाड्रेंट आपका आएगा फोर्थ, और फोर्थ में साइन धनात्मक होता है या ऋणात्मक, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक ही तो क्या है, कॉस और सेक ही है जो धनात्मक होते हैं, बाकी जो बचता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लग जाएगा माइनस, ठीक है?
कॉस 360 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा ही लिखेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है कि कॉस जो होता है वो धनात्मक होता है, तो ये आपका वैसे ही रह जाएगा। टेन 360 माइनस थीटा, इसको भी क्या लिखेंगे, टेन थीटा ही लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर में टेन का तो कहीं जिक्र नहीं है, प्लस या माइनस होगा, तो प्लस नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा, ये माइनस होगा। कॉट लिखा है तो कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ भी उसका जिक्र नहीं है, तो ये कॉट क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। सेक के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक धनात्मक होता है, तो सेक आपका क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। और कॉसेक के लिए क्या लिखा जाए, कॉसेक के लिए लिखेंगे कॉसेक ही है ना, और कॉसेक के लिए यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है, तो कॉसेक आपका बनेगा माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होता है आपका निगेटिव होता है। तो ये हमारा हो गया 360 माइनस थीटा के लिए एक फॉर्मूला, एक चार्ट हो गया हमारा। आपको फॉर्मूला रटना भी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि 360 माइनस थीटा का जब कंसेप्ट यूज करेंगे तो वहां पे फंक्शन जो है नहीं बदलेगा, लेकिन वहीं अगर आप 270 प्लस थीटा करते हैं तो वहां पे फंक्शन जो है आपका चेंज हो जाएगा, साइन बनेगा कॉस, कॉस बनेगा साइन, टैन बनेगा कॉट और कॉट बनेगा टैन, उसी तरह से सेक बनेगा कॉसेक और कॉसेक बनेगा सेक। लेकिन 360 माइनस थीटा के टर्म में आपको साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक रहेगा। बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, बार बार दोहरा रहा हूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में कौन धनात्मक होते हैं, बस इस चीज को याद रखना है, उसके हिसाब से आपको माइनस प्लस कहाँ लगाना है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका 360 माइनस थीटा का पूरा कंसेप्ट। पहले आप इसे नोट करें अपने कॉपी पे या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको भविष्य में काम दे, ठीक है ना। कॉपी को अगर नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी पे अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको हमेशा ये आपको बेसिकली आपको आपके लिए यूजफुल साबित हो, है कि नहीं। तो आप इसे आराम से लिख लें और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं इससे संबंधित और फिर आगे की बातें करेंगे। तो बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं एग्जांपल, कुछ एंगल्स देखते हैं, कुछ एंगल्स को निकालने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम एंगल को फाइंड करेंगे, अलग अलग तरह के एंगल हम लोग देखेंगे, समझिएगा जरा सा, ठीक है। अब 270 और 360 के बीच का कोई एंगल हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए जरा सा, हमने लिया साइन 300 डिग्री, क्या लिया, साइन 300 डिग्री हमने ले लिया, पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, टेन 315 डिग्री, एक और क्वेश्चन है आपके पास, टेन 315 डिग्री। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां लेते हैं, कॉस माइनस का 330 डिग्री, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कॉस माइनस का 330 डिग्री, ठीक है। देखते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं। अब जरा यहां आइए, साइन 330 आपके सामने लिखा हुआ है, सॉरी 300 लिखा है ना, साइन 300 लिखा हुआ है, तो साइन 300 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिखना भी सीखे, मल्टीपल्स में कैसे हम इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे साइन का साइन 300 है, तो 360 और 270 के बीच में कहीं आएगा 300, है कि नहीं। तो 360 में से कितना घटाया जाए कि 300 बनेगा, 360 में से कितना घटाएं कि 300 बनेगा, देखिए 360 में से अगर हम 60 को घटा लेते हैं, यानी 60 को घटा लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा क्या, 360 माइनस 60 300 ही लिखा होगा, तो ये लिखने का तरीका हो गया, हमने लिखा इसको 360 और माइनस कितना 60, तो ये बन गया 300 डिग्री। लेकिन आप पढ़े अभी हमने बताया कि 360 के केस में फंक्शन जो है वो बदलता नहीं है, यानी साइन 360 माइनस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, 360 माइनस थीटा जो है साइन थीटा ही रहेगा, तो लिखेंगे क्या, साइन 60 का साइन 60, क्लियर है। साइन 360 माइनस थीटा में फंक्शन जो है चेंज नहीं करता है, तो हमने लिख दिया साइन 60 का साइन 60, ठीक है। लेकिन अब 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपको लग जाएगा माइनस, और साइन 60 का वैल्यू आपको याद होगा ये √3/2 होता है, अब इसमें लगा देंगे क्या और क्या माइनस, और ये आपका चलाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कैसे हमारा सवाल बना है। हमने बताया कि साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, यानी साइन थीटा यानी कितना, साइन 60। अब इसमें सिर्फ कर लग जाता है क्या, माइनस, यानी माइनस लगा दिया हमने, और वैल्यू हमारा होता है √3/2, और इसमें आ जाएगा माइनस, क्लियर है। अच्छा, टेन 315 है आपके सामने, कितना, टेन 315, तो अब इस टेन 315 को क्या लिखा जाएगा, टेन 315 को हम लिख सकते हैं टेन 360 डिग्री
और माइनस का कितना 45 डिग्री, लिख सकते हैं क्या? 360 में से 45 का कितना आएगा, 315 ही तो आएगा, तो इसको हमने लिख दिया ऐसे 360 माइनस 45 करके। अब बताइए 360 वाले केस में फंक्शन जो है बदलता नहीं है, यानी tan 45 का tan 45 ही रह जाएगा, यानी 360 माइनस थीटा, थीटा होता है तो ये tan 45। अब tan 4th में क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक? ये ऋणात्मक होता है, इसमें लग जाएगा माइनस। tan 45 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, और इसमें आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आपको चला आएगा, क्लियर? अच्छा यहाँ अब cos के अंदर में आ गया एंगल निगेटिव। अब एंगल निगेटिव वाला कंसेप्ट आपको सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस करा है, क्वाड्रेंट का जब हम पहला लेक्चर पढ़ रहे थे उसके अंदर में डिस्कस करा हुआ है कि tan के अंदर में निगेटिव हो कोई वैल्यू, या फिर साइन में, साइन के अंदर में निगेटिव हो, साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस बाहर आ जाता है साइन थीटा, कॉस में निगेटिव हो तो कॉस माइनस को खत्म कर देता है, वो प्लस बना लेता है, सेक भी है तो वो भी माइनस को खत्म करके प्लस बना लेता है, लेकिन बाकी जितने भी फंक्शन है आपको हो गया साइन हो गया है ना, टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, ये सारे जितने भी हैं चार, ये टोटल के टोटल क्या होते हैं, अगर उनके उनके अंदर में माइनस लगा हुआ है एंगल के अंदर, तो माइनस अगर लगा हुआ है तो वो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर इसमें माइनस लगा हुआ है कॉस में, तो मैंने आपको बताया कि कॉस ऑफ माइनस थीटा वो केवल प्लस होता है, तो वो क्या बनेगा, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, कॉस 330 आपका बन जाएगा। और ये ऐसा क्यों होता है आपको डिस्कस मैंने पहले भी कर रखा है, अगर आप मेरा स्टार्टिंग के दो फर्स्ट तीन लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देख लें, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपको डाउट्स अगर इसमें आ रहे हैं, वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बनेगा कॉस 330, इसको लिखेंगे क्या, कॉस 360 और माइनस कितना 30, लिख सकते हैं क्या, कॉस 360 माइनस 30 बनेगा आपका कॉस 330। अब ये कॉस 360 माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा ही रहता है, तो कॉस थीटा यानी कितना, कॉस 30 ही लिखेंगे, है कि नहीं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में देख रहे हैं यहाँ पे कॉस धनात्मक होता है, तो कॉस क्या रह जाएगा, प्लस ही रह जाएगा, और 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का इसका वैल्यू होता है कितना, रूट अंडर 3/2 इसका वैल्यू हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर, तो आप आराम से इसे नोट कर लें। फिर हम कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देते हैं आपको, अगर घर पे प्रैक्टिस करना हो क्वेश्चन तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इसे आराम से नोट करें, फिर आने वाले लेक्चर में हम इसको पूरा का पूरा जनरलाइज करेंगे, और जनरलाइज करके पूरी की पूरी सारी चीजों को एक साथ मर्ज कर देंगे, और जहां से हम लोग इस क्वाड्रेंट का पोर्शन हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी तक बताया वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर भी हो रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक बटन में प्रेस करें, और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि बहुत सारे आपके दोस्त भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और वो भी हमारी क्लासेस का आनंद ले सकें। तो आप इसे पहले नोट करें, ये तीनों क्वेश्चन है, फिर हम कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देते हैं जहां से आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने होमवर्क के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए आपके प्रैक्टिस के लिए, है कि नहीं। यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन है जो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर के जितने भी क्वेश्चन है आपको, जितने भी एंगल हमने बेसिकली बन सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और भी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, लेकिन जितने पॉसिबल है हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन है, एक बार देख लें। सेक 315 डिग्री है, कॉसेक माइनस का 330 है, सेक 315 है ना, दो जगह सेक 315 हो गया, इसको सेक 300 कर लें, 330 कर लेंगे, ठीक है, सेक कितना कर लेंगे, 330 डिग्री चलेगा। ये हमारे पास सेक 330 है, टैन का माइनस का 330 है, टैन 300 डिग्री है, कॉट 315 है, साइन का माइनस 315 है, कॉट का 330 है, और टैन का माइनस का 300 है, और कॉसेक का कितना है, माइनस का 315। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और फिर हम लोग करेंगे आज के सेशन का समापन, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किया फोर्थ क्वाड्रेंट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट का पूरे भी आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको मैंने आज बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि वे भी जुड़कर बहुत मेरी क्लासेस का आनंद ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले सेशन में, जहां पे हम इसको पूरे तरह से जनरलाइज करेंगे, तो चैनल पे बने रहेंगे, वीडियो लाइव होगा डेली सुबह 9 बजे, ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।